देखो ये परसेंट एस का राज यही है कि ये केवल और केवल स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है, इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। तो कैसे स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे इसका यूज़ करके? तो यहाँ पे लिखा मैंने मेन फंक्शन, ये लिख दिया, मेन फंक्शन बनाया मैंने, एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ कैर टाइप का। तो ये लिखा मैंने कैर, और कैर लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए नाम से, ठीक है, जिसकी साइज़ मैं 5 रख लेता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। अब यहाँ कर्ली ब्रेसेस को ओपन करता हूँ, यहाँ पर मुझे नाम लिखना है अपना, तो एक एक कैरेक्टर सिंगल इंटेड कॉमा और फिर कॉमा से सेपरेट करते हुए इसको लिखेंगे, जे लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। और अब यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कॉमा देकर के बैक स्लैश जीरो देना है, तो बैक स्लैश जीरो दे दिया हमने, और ये भी सिंगल इंटेड कॉमा में ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमने दे दिया बैक स्लैश जीरो, और इसको यहाँ से टर्मिनेट कर देना है आपको, ठीक है, ये नल कैरेक्टर है बैक स्लैश जीरो। तो अब यहाँ पर प्रिंट एफ लिखता हूँ, ये लिख दिया प्रिंट एफ, और लिखने के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, लिखता हूँ माई नेम इज, ये लिख दिया, और यहाँ पर दे देता हूँ परसेंट एस। देखिए यहाँ पर मैं परसेंट डी नहीं दे रहा, परसेंट सी नहीं दे रहा, परसेंट एफ नहीं दे रहा, यहाँ पे मैंने लिखा है परसेंट एस। तो ये हो गया, और अब इसको प्रिंट भी करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ए दे देंगे, ठीक है। तो ये काम हो गया है, और अब इसको यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ, बात खत्म। अब यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये फाइल पर जाके इसको सेव कर लिया, पहले से सेव है UU.C के नाम से। अब इसको एक बार कंपाइल करवा लेते हैं, तो ये कंपाइल करवा लिया हमने, और अब रन करवा लेते हैं। तो यहाँ पे रन करवाते ही यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आ रहा है, माय नेम इज सूरज, ठीक है। तो अच्छा, नल कैरेक्टर नहीं प्रिंट हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, नल कैरेक्टर कोई प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नल कैरेक्टर है ये नहीं प्रिंट हुआ है। तो ये था परसेंट एस का यूज़।